ये जो फोन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है नरेश। और आपको बता दें कि नरेश का पर्स गुम हो जाता है और पर्स के अंदर जरूरी दस्तावेज हैं। जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी करें। आप ये देख सकते हैं कि नरेश जो है ई रिक्शा चलाते हैं, पिछले कई दिनों से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि इस ई रिक्शा की जो RC है वो भी उस पर्स में थी, आधार कार्ड जो है वो भी उस पर्स में था। तो अब ये पर्स कहाँ पर है अभी कुछ पता नहीं है, परेशान ज़रूर हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें। अगर नरेश का पर्स आपको मिल जाता है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, नरेश को भी संपर्क कर सकते हैं। तो नरेश से बात कर रहे थे। नरेश भाई कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले तो सर MP से हैं, मगर यहाँ करनाल में रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये सेक्टर 3 में रहते हैं। हाँ। नई सब्जी मंडी के पास रामदेव कॉलोनी है जी। अच्छा, हाँ जी। क्या गुम हुआ आपका, पर्स गुम हुआ? हाँ जी, पर्स गुम हो गया था सर। हाँ। उसमें मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। हाँ। और RC है ई रिक्शा की, और मेरा लाइसेंस है। क्या लिखा हुआ है RC के ऊपर, क्या लिखा हुआ है, और आधार कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? आधार कार्ड पर जी नरेश के नाम से है, और करुआ के नाम से जी वो है RC। करुआ, करुआ कौन है? करुआ मेरा ताऊ का लड़का है जी, उसमें मैंने ई रिक्शा ले रखी थी सर। अच्छा, हाँ जी। और आपके आधार के कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? वो मेरे नाम से नरेश। नरेश, हाँ जी। और क्या कुछ था पर्स के अंदर? पैन कार्ड भी था, पैन कार्ड भी नरेश के नाम से है जी। अच्छा। और लाइसेंस भी नरेश के नाम से है। अच्छा। सिर्फ RC करुआ के नाम से है, करुआ देवी राम। अच्छा, और क्या था पर्स के अंदर? और सर 50-150 रुपये, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मगर मेरे को डॉक्यूमेंट की बस दिक्कत है। और वैसा कोई दिक्कत नहीं है, बस डॉक्यूमेंट मिल जाए मेरे भाई। क्या निवेदन करना चाहोगे लोगों से, अगर किसी को पर्स मिल गया तो? बस खुशी होगी सर, जो कोई मांगेगा पार्टी पुल्टी देंगे जिसको मिल जाएगा। पार्टी तो अब क्या दोगे भाई, रिक्शा चलाते हो आप तो। भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, या आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काफ़ी दिनों से इस भाई का हमारे पास फ़ोन ज़रूर आ रहा था, लेकिन पर्स जो है इनको नहीं मिलता है, और अब हार कर इस भाई को अपनी वीडियो बनवानी पड़ रही है। तो आपसे निवेदन है, कहीं पर भी इस भाई का पर्स आपको मिलता है तो आप स्थानीय चौकी, या फिर आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, या इस भाई को भी संपर्क कर सकते हैं। भाई नंबर बता दीजिए आप। 95-181-44-741। एक बार फिर बता दीजिए। 95-181-44-741। तो पर्स जो है कौन से रंग का है? काले कलर का है सर। काले कलर का है। देखिए, काफ़ी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो इस पर्स के अंदर हैं। अगर किसी को भी कोई भी जानकारी मिलती है तो आप इस भाई से संपर्क कर सकते हैं। ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है सड़कों पर काफ़ी चीज़ें गिर भी जाती हैं, और उसके बाद जो है काफ़ी लोगों को चीज़ें मिल भी जाती है। सोशल मीडिया में अपने आप एक ज़बरदस्त ताकत है। इससे पहले भी हमने आपको काफ़ी वीडियो दिखाई हैं, और आपने भी कहीं ना कहीं जो खोई हुई वस्तुएं होती हैं उन्हें ढूंढने का आपने प्रयास किया है, क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करते हैं तो फिर इन जैसे लोगों की जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर सोल्व हो जाती हैं। आप ये देख सकती हैं, ये भाई ई रिक्शा चलाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अब इस ई रिक्शा की जो RC है वो भी उस पर्स के अंदर थी, और कहीं ना कहीं चेकिंग भी ज़रूर होती है, अंदर बाहर जाता है, ड्राइविंग करता है। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। निवेदन फिर से करना चाहेंगे कि इस भाई का पर्स गुम हो गया है और पर्स के अंदर ज़रूरी दस्तावेज़ थे, वो दस्तावेज़ अगर इसको नहीं मिलते हैं तो फिर इस भाई को काफ़ी नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो हमारा आपसे निवेदन है, जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ये देख सकते हैं कि ये भाई ई रिक्शा चलाता है और किस प्रकार से पिछले कई दिनों से ये परेशान चल रहा है, क्योंकि उस पर्स के अंदर ज़रूरी दस्तावेज़ थे। हालांकि कैश इतना नहीं बताया जा रहा, 50 से 100 रुपया कैश बताया जा रहा है, लेकिन एक जो ज़रूरी दस्तावेज़ जब गुम हो जाते हैं तो फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस भाई की मदद हो सके। और इस भाई ने अपना नंबर भी दे दिया है, आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 9728518171 हमारा फ़ोन नंबर है, या फिर स्थानीय पुलिस और स्थानीय पुलिस चौकी या फिर स्थानीय थाने में भी आप पर्स को जमा करवा सकते हैं ताकि इस भाई की समस्या का हल हो सके। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाली 24।